अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। तो व्यूअर्स, जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कलीम भाई हैं और मैं, जैसा कि आपको पता ही है, प्लान व्लॉग। तो आज हम जा रहे थे मार्केट, कंप्यूटर लैपटॉप मेरा ख़राब हो गया था, उसको सही करवाने। रास्ते में बारिश हो गई है तो वहाँ यहीं पर स्टे किया हुआ है पेट्रोल पम्प के नीचे। तो अभी बारिश रुकेगी तो फिर आगे चलेंगे। तो जब घर से चले थे तो उस वक्त तो बारिश नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ही तेज़ बारिश होने लग गई है। मुंह के ऊपर ऐसे जैसे कोई बंदा क्या बट्टे मार रहा हो। तो व्यूअर्स, आगे जाके आपसे मिलते हैं, अगर बारिश रुकी है तो फिर चलते हैं। तो व्यूअर्स, अब थोड़ी बारिश रुकी है तो अब चलते हैं मार्केट का लैपटॉप ठीक करवाते हैं, तो वहाँ पर जाके आपसे मिलते हैं, रास्ते का व्यू आपको दिखाते हैं। तो चलें, स्लीपर चलें, चलो। अल्लाह करे बारिश ज़्यादा ना हो। अब हम निकलने लगे हैं, थोड़ा पीछे करके रखते हैं। ये देख सकते हैं, तो इस टाइम हैं हम सिविल हॉस्पिटल रोड, ये हमारे बिल्कुल सामने इस तरफ सिविल हॉस्पिटल है। तो भाई साहब बारिश तेज है, थोड़ा एवं रख, अभी आवे एवं रख, थोड़ा पीछे नु रख। तो भी भाई ये देख सकते हैं, बारिश ही बारिश। आपको मेरी हालत नज़र आ रही होगी, पानी में मुकम्मल भीग चुका हूँ। मेरे पीछे वाला जो है मेरा पार्टनर, वो भी भीग गया है मुकम्मल। तो हम दरख्तों के नीचे से होते हुए जा रहे हैं, ये हमारी हालत देख सकते हैं। बाइक के ऊपर हम इस टाइम जा रहे हैं। और तो व्यूअर्स, अखीर सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा था यार, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैंने लैपटॉप ठीक करवाना है, क्योंकि लास्ट डेट है, मैंने अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुम आए हो अपनी मर्ज़ी से। तुम्हें मैंने इससे पहले का क्या हुआ था यार, बंदा किसी का एहसास कर लेता है यार। तो व्यूअर्स, अभी भी बारिश हो रही है, लैपटॉप लेके घूम फिर रहे हैं। अभी रुक जाए, लैपटॉप लेके घूम फिर रहे हैं। एक मैकेनिक के पास गए थे तो वो कह रहा है कि इसके बोर्ड का मसला है, फिर रैम चेक की है तो रैम में इशू आ रहा था, तो अब रैम लेने जा रहे हैं बाजार की तरफ। तो ये है विवर फरीद गेट, बहावलपुर का फरीद गेट, बहुत ही खूबसूरत मेन बाज़ार इस तरफ। तो विवर, ये सामने जो दुकान है, बहुत ही मशहूर शेख जायका हाउस, तो मशहूर है, इसके समोसे पकौड़े और मिठाई भी है इसके पास। तो इसके पास आए हैं अब समोसे खाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि बारिश हो रही है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग वेदर बन चुका है, तो यहीं पे बैठ के समोसे खाएंगे, एंजॉय करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो रसगुल्ला, बूंदी, नमक पारे, जलेबी, गुलाब जामुन, लड्डू, एवन शेख जायका हाउस वीआईपी, मिठाई एंड समोसा कॉर्नर। तो भी हम लेने लगे हैं आप समोसे, तो समोसे लेके फिर इंजॉय करेंगे, तो आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हैं इनके समोसे। जैसा कि आपको बताया था कि समोसे इनके अच्छे होते हैं, तो मज़ीद चेक करके आपको बताएंगे। तो कितने खाओगे? ले लें। तो ये कह रहे दुकान ले लें, पहले रैम भी लेनी है अभी। तो अगर रैम लेने जा रहे थे तो अभी रास्ते में समोसे नज़र आ गए हैं, समोसे खा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है, ले है नहीं गली, मज़ा आ रहा है। तो व्यूअर, ये है आलू वाला, कीमे वाला समोसा और इसके साथ ये और ये। कैसे हैं देवन? तो व्यूअर, ये खाएं आप। ये आप देख सकते हैं खतबे नबूवत चौक, फवारा चौक, और ये सामने अलमायदा, और बहुत ही खूबसूरत मौसम बहावलपुर का आज। तो व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लैपटॉप ठीक हो गया है, तो काफ़ी अरसे से ख़राब था, 15-20 दिन से बड़ा मेरा लॉस हो रहा था स्टडी का, तो आज फाइनली ईद के बाद बन गया। और इसके साथ मैं स्पीकर लेके आया हूँ, क्योंकि इसकी इंटरनल जो स्पीकर थे वो ख़राब हो गए थे, तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ।
बहावलपुर की खूबसूरती। तो व्यूअर्स, लैपटॉप सही करवा के अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। मगरब का टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए प्लान के साथ। अल्लाह हाफिज़।